अब मुझे उसके अंदर जाना है, चलते हैं यहाँ पर अंदर। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आई होप सब आ चुका बच्चा, ये सीता रसोई पे आ गया। हाँ अब यहाँ देखो पांच ऋषियों को दर्शन करेगा जिनको सीता माता ने भोजन करा। और यहाँ पे आने के बाद मम्मी लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, मम्मी लोग आ जाएंगी तो अंदर चलता हूँ, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि पहले अंदर चला जाता हूँ, देखता हूँ पाँच मिनट इंतजार करता हूँ, नहीं आएंगी तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा, जाके जल्दी दर्शन करके फिर मुझे यहीं पे इंतजार करूँगा, ठीक है। तो ये रहा फाइनली दरबार में हम लोग आ गए, ये यहाँ के सेवक हैं और यहाँ के गुरु जी भी हैं, यहाँ का सब कार्यभार सारा संभालते हैं। तो अब यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से निकल के अभी हमें जाना है इस तरफ, और हम इस तरफ की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा यहाँ की ये इस जगह का नाम, वे माता जी का नाम सीता जी बनाना है किस चैनल माता है। हाँ दरअसल मेरा डेली ब्लॉग्स है तो उसी में अपलोड करता हूँ। यहाँ का महत्व सुनो, हाँ भगवान यहाँ पे आए थे 14 साल के लिए वनवास में, तो सीता जी ने अपने हाथों से कंदमूल फल की रसोई बना के, मतलब फरहारी रसोई बना के 5 ऋषि ब्राह्मण को भोजन कराया, वो जगह स्थानीय सीता रसोई है। तो फाइनली अब हम लोग दूसरी प्लेस पे आते हैं और इस प्लेस पे हम लोग चलते हैं। ये रही सीता रसोई के अंदर का मुख्य भाग, यही वो सीता रसोई है जहाँ पे अभी अंदर हम लोग चल रहे हैं। फाइनली मैं इधर से गोल घूम के आ चुका हूँ और अब इधर की ओर जाना है, मगर इधर बारिश हो रही है तो छाता खोल लेता हूँ। पांच ऋषियों को यहाँ पर माता जी ने तिलक किया, पूजन किया, भोजन करा, ये वही जगह स्थान। और ये रहा यहाँ का वापस जाने का रास्ता। इतने ढेर सारे मतलब मंदिर हैं और यहाँ पे कितनी प्राचीन धरोहर है अपने भारत की, मैं जानता हूँ यहाँ की दिव्यता, यहाँ की मतलब एक अनुपम ऊर्जा रहती है, यहाँ पे आती है मतलब ना ऊर्जावान हो जाओगे आप सब, मतलब थकोगे नहीं। देखो फिर मम्मी लोग अब आ रही हैं, इनका इंतजार करते करते मैं थक गया और ये अब आ रहे हैं। तो फाइनली अब मम्मी लोग भी यहाँ पे दर्शन करने कर यार बोल दे पीछे, तो फाइनली अब मम्मी लोग भी पीछे से दर्शन करके चले आए हैं और अब यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं, तो नज़ारे का सब कोई मज़ा ले रहे हैं। तो फाइनली नीचे उतरा जा रहा है, मम्मी कहाँ रुके, अंदर रुके, जाना कैंसिल हो गया, अरे यार हवा बड़ी तेज चल रही है, छाता मुड़ जा रहा है। तो फाइनली काफी देर यहाँ वेट करने के बाद अब बारिश रुक गई है, तो अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और अभी भी बारिश पूरी तरीके से तो नहीं रुकी है, मगर हाँ थोड़ा थोड़ा तो हो ही रही है। मम्मी वहाँ चप्पल पहन रही हैं, बस ये चप्पल पहन ले तो सीढ़ी क्यों निकले, मामा भी आ गए, मामी कहाँ है, मामी डर क्यों रही हैं इतना, आ गई तो ठीक है, मामी भी आ रही हैं, हम लोग उधर चलते हैं। अब तो लिफ्ट से जाने वाला रास्ता ये है, मामी इधर बहुत खुश चल रहा है, आराम से आइएगा। हाँ अरे बंदर देखो सफैया कर रहा है, मेकअप बाद मेकअप आंटी। तो जाने के लिए भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, ये देखो यहाँ से वहाँ तक की लाइन ही लाइन है।
तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब लिफ्ट का इंतजार करें, लिफ्ट आ जाएगी तो उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं और मामा जी को भेज दिया है लेने के लिए कार, और वो कार लेके आते हैं। और पता है ये पूरा मैं हम लोग पूरा भीग गए, छाता लिए हो जाए तब भी हम लोग भीग गए।